हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और तिलक लगा के स्वागत करता हूँ, दिल से स्वागत करता हूँ आपका मैकेनिकल गुरु यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं, हम डेली भाई आपके लिए खोज खोज करके बेहतरीन इंपॉर्टेंट और ओरिजिनल अपडेट लेके आते हैं। आज की बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है THSTI की तरफ से, ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट या डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है। इनका बहुत ही सक्सेसफुल फ्लैगशिप प्रोग्राम है बायो डिजाइन फेलो, जिसके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके लिए बीई बीटेक वाले हैं आप, एमई एमटेक वाले हैं, एमबीए वाले हैं, फ्रेशर हैं आप, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है आपके पास, आप ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो यहाँ पर 60,000 रुपीज पर मंथ आपको सैलरी मिल जाने की है, जो कि बहुत बढ़िया होने वाला है आपके लिए। यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर डायरेक्ट इंटरव्यू रखा गया है, जो कि एक और बहुत बढ़िया बात है आपके लिए। डिटेल में हम इसके पूरे नोटिफिकेशन के बारे में बात करने वाले हैं, क्या होने वाला है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या होने वाला है सिलेक्शन प्रोसीजर, हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, हर एक इंपॉर्टेंट डिटेल बताऊंगा। आप बस आखिरी तक बने रहिएगा मेरे साथ। मेरा नाम है अंकित, आप देख रहे हैं मैकेनिकल गुरु। चलिए करते हैं इस वीडियो को शुरू। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, दिल से इस वीडियो में एक प्यारा लाइक जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, मेरी भी हेल्प होगी, फ्रेंड्स की भी हेल्प हो जाएगी। जैसा कि मैंने बताया, ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, जो कि भारत सरकार के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आता है, इनका बहुत ही सक्सेसफुल एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है बायो डिजाइन फेलो। इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है, एडवर्टाइजमेंट नंबर है THSRN43/2021, जिसके लिए आप बीई बीटेक वाले हैं, एमई एमटेक वाले हैं, एमबीए वाले हैं, फ्रेशर, आप ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर डायरेक्ट इंटरव्यू होने का है। यह जो फेलोशिप है 12 महीने की, 12 मंथ की, 1 ईयर की फेलोशिप होने वाली है। इस फेलोशिप के दौरान आपको पर मंथ 60,000 रुपीज मिल जाने का है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं, देखते हैं कौन कौन से डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकली हुई और कौन कौन उसके लिए एलिजिबल है। सबसे पहले वैकेंसी निकली हुई है साइंस डिपार्टमेंट के अंदर, जिसके लिए एमएससी पीएचडी है लाइफ साइंसेस में या फिर इससे रिलेटेड फील्ड में, केमिस्ट्री में आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसी निकली है, इसमें बीटेक, एमटेक, बीई, एमई वाले अप्लाई कर सकते हैं, हर एक ब्रांच से अप्लाई कर सकती, चाहे मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, आईटी, हर एक ब्रांच इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में बीई बीटेक वाले अप्लाई कर सकते हैं। मेडिसिन जो डिपार्टमेंट है, इसमें एमबीबीएस, बीडीएस, बीवीएससी वाले अप्लाई कर सकते हैं, और जो बिजनेस डिपार्टमेंट है, इसमें एमबीए है विद इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट यहाँ पर 35 ईयर्स रखी गई है। टोटल कुल मिलाकर यहाँ पर 12 वैकेंसी, 12 पोजीशन निकली हुई है। आप बिल्कुल ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा तो सैलरी स्टाइपेंड तो बहुत अच्छा मिलेगा ही, साथ में आपको यहाँ पे बहुत 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 बढ़िया एक्सपीरियंस भी मिलेगा, और इसका एक्सपीरियंस आपके आगे चल के बहुत बढ़िया काम आने का है। सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात करें तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है वो, और जब आप ऑनलाइन अप्लाई करने जाएंगे तो आपको एसओपी 1000 वर्ड्स का स्टेटमेंट ऑफ पर्पस या आपको अपलोड करना पड़ेगा, 1000 शब्दों का स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, और आप जो इसमें लिखेंगे उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका स्क्रूटिनी होगा कि नहीं होगा, और आपको इंटरव्यू के लिए फरीदाबाद इन्वाइट किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। यहाँ पर जो फाइनल सिलेक्शन है वो इंटरव्यू के बेसिस पर होने का है। फ्रेशर्स बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है आपके पास आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी किसी भी फील्ड का एक्सपीरियंस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपके यहाँ पर सिलेक्शन के चांसेस और बढ़ जाएंगे। फॉर्म भरने की लास्ट डेट 6 दिसंबर 2021 रखी गई है। यहाँ पर आपको पूरी तरीके से ऑनलाइन अप्लाई करना है। फॉर्म भरने की फीस जनरल वालों के लिए, अनरिजर्व्ड के लिए, ओबीसी के लिए 590 रुपीज रखी गई है। एससी, एसटी और मेरी बहनों के लिए फॉर्म भरने की फीस 118 रुपीज रखी गई है। क्या आप इंटरेस्टेड हैं, क्या आप इसके लिए अप्लाई करने वाले हैं, जरूर बताइएगा मुझे नीचे कमेंट में। ऑफिशियल नोटिफिकेशन की लिंक, अप्लाई करने की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी, आप एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आए लाइक जरूर करना, भाई से शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, मेरी भी हेल्प होगी, फ्रेंड्स की भी हेल्प हो जाएगी। मैकेनिकल गुरु यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोज लेटेस्ट अपडेट लेके आता रहता हूँ। बहुत जल्दी मिलेंगे भाई लोग। जय जवान, जय किसान।